आप ये पानी देख सकते हैं, वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिए। ये सिलेंडर भरा हुआ है और बीच से निकल रहा है ये पानी। ये पानी की नदियां जो है वो बह रही हैं और इस पूरे सिलेंडर में जो है पानी भरा हुआ है, यानी गैस का एक बूंद भी नहीं। आप देखिए, ये देखिए, ये है आजकल के सिलेंडर। वेट कर, अब इसका वेट करवाते हैं आपको जेके चैनल के माध्यम से। आज आपको ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जो आप भी हैरान हो जाएंगे। भरा हुआ सिलेंडर है और पानी की एक बूंद नहीं। और ये एंट्री कॉपी भी दिखाइए रघु जी, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ भरे हुए सिलेंडर को। अगर आप पिन लेंगे या पिन प्रेस करेंगे तो पास लाइए, पास। ये पिन प्रेस की कोई आवाज नहीं है, यानी कि इस बीच 27 किलो के 29 किलो के सिलेंडर में सिर्फ और सिर्फ पानी है। बिछाऊंगा एक बार फिर ऊपर करें सिलेंडर को, तो समझ सकते हैं कि सिलेंडर ले रहे हो तो एक बार इसकी जांच जो है वो जरूर करें। ये देखिए, गैस की बूंद रही और पानी का, ये लीजिए, गर्मी में नई और नया पानी। थोड़ा पीछे कीजिए रघु जी, हाँ पानी। ये लीजिए ये पानी, ये कौन सा पानी है जनाब? नारियल पानी। नारियल पानी जी सर। ये देखिए, सिलेंडर में गैस की जगह पानी भरा हुआ है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूँ महेंद्र जीत सिंह, इस समय की बड़ी अपडेट और हैरान कर देने वाली अपडेट इस भरे हुए सिलेंडर की। सर ये कौन सा सिलेंडर है? सर ये HP का सिलेंडर है। कहाँ से भरवाया? सर ये बाहू प्लाजा से भरवाया था हमने ना। और हमने सुना था 100 ग्राम तक गया पानी जो है वो हो सकता है, मगर ये तो पूरा सिलेंडर ही पानी से भरा। सर मैक्सिमम ना अभी 28 किलो का वेट था, अभी 26 हो गया। आप गिराते गिराते पानी, हमने तो शाम को ही परेशान हो गए थे। हमने तो इसकी पाइप भी चेंज कर ली, 200 रुपए की पाइप आई, फिर 250 रुपए के पाइप, वो उसका जो भी उसका होता है मगलेर वो भी चेक करा लिया। तब भी मैकेनिक जो साइकिल पे घूमते उनसे भी चेक करा लिया, 200-250 रुपए वो ले गए। उसके बाद फिर मैं उधर सिटी लेके जा रहा हूँ तो 200-250 रुपए उसने डप लिया। हमने आप सर इधर आइए, नंबर मिलाइए, फोन नंबर मिलाइए, इनसे बात करते हैं। 2000 रुपए में मेरे को तो ये सिलेंडर पड़ गया। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बंदा, तीन यानी कि 4-5 दिन में 0191 कोड लगाओ, 3-4 दिन में मैंने ये दिहाड़ी करके भरवाया मैंने ये। तो बालक पालू या बच्चे गुजारा करूं अपना, या फिर सिलेंडर भरवाता फिरूं मैं? हैरान कर देने वाला मामला है ये सिलेंडर। फिर आपको दिखा दूं, इसमें गैस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। साथ के साथ शेयर करें ताकि ये मामला जो है वो किसी और के साथ पेश ना आए। कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। 01 दूसरे वाला लगा के देखिए, तो कोशिश करेंगे कि हम फोन पे जो है इनसे बात करें। ये कब भरवाया था सिलेंडर? सर ये 21 को भरवाया था मैंने, शाम को 4:30 बजे भरवाया था। सर ये 860 का भरवाया था, तो मेरे को तो किराए भाड़े में लगा के तो मेरे को तो 2000 रुपए में पड़ गया सर। सर मैं तो ये बस कुछ नहीं, पानी खरीद रहे हूँ बस, गैस की जगह पानी लेके आ रहा हूँ मैं। अभी कंपनी में इनका नंबर दिया, कोई कांटेक्ट किया हो? सर अभी कुछ नहीं किया, बस जा ही रहा था मैं अभी। आप कांटेक्ट नहीं से उससे? अरे तो बार बार मिला सर, आप यूज करके देख रहे, नहीं लग रहा है इनका नंबर भी नहीं लग रहा है। तो ये देख सकते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं फिर। तो हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इस पे फोन पे बात की जा सके। आखिरकार भरा हुआ सिलेंडर है इसका, फिर रखिए वजन चेक करते हैं। तो आप जनता भी सिलेंडर भरवाते हो तो एक बार पिन जो है वो जरूर मार के देख ले। सर मैं जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे ऑनलाइन घपला कर रहे ना वैसे ही सरकारी गवर्नमेंट चीजें उनमें भी घपला रहा हूँ। वहीं पे चेक करो, उनके सामने ही करो। हम पैसे देते हैं फ्री में नहीं लेते, हम दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे, वहीं चेक करो। कोई ऊपर से नहीं पैसे फेंक रहा है कोई भी। तो देख सकते हैं एक हैरान कर देने वाला मामला इस समय जम्मू में सामने आया, और जम्मू के बहू फोर्ट से आपको दृश्य जो है साझे करवा रहे हैं। एक मेहनत मजदूरी करने वाले शख्स ने अपना सिलेंडर जो है वो फुल करवाया और घर आया कि रोटियां जो है वो खाएंगे। रोटियां तो दूर की बात है, रात को भूखे पेट सोना पड़ा। रात को तो भूखे पेट सोए सर, वो सामने लकड़ियां पड़ी है, हमने फिर भी किसी से उठा के तो अपनी गुजारा किया लकड़ी जला के। अभी दोपहर को देख सकते हो मेरी हालत भी, दाड़ी करके आ रहा हूँ, अभी भी दोपहर को खाना बनाना है, अभी भी एक अनान खा के काम चलाया। लोगों से कितने देर तक मैं बाहर खाता रहूं? 250-500 रुपए मैं अपनी दाड़ी कर रहा हूं, तो 100 रुपए का अनान खा के तो फिर मेरा 400 गुजारा सर चलेगा। तो देख सकते हैं कि ये एक हैरान कर देने वाला मामला है। मैं आपसे कहूंगा ये एक नंबर बुकिंग वाला है, इसको भी कॉल करके देखो, यहाँ पे हो सकता है कस्टमर केयर से बात हमारी हो जाए, वहाँ पे जो बैठे हो। तो फिर दिखा रहा हूँ ये एक भरा हुआ सिलेंडर, वजन देख सकते हैं, सुबह से पानी निकाल निकाल के अब 26 किलो जो है वजन रह गया। तो किस तरह से
आप समझते हैं, एक तो तपती गर्मी में कहीं ना कहीं पानी लोगों को गैस में मिले तो किस तरह की बात जो है वो सामने आएंगी। हालांकि सिंगल पिन से भी इसमें जो है वो पानी जो है वो नहीं, गैस नहीं निकली। आप देखिए बिल्कुल प्रेस कर रहे हैं, कोई आवाज आपको गैस की नहीं आएगी, नहीं तो भरे हुए सिलेंडर की आवाज आप समझ सकते हो। हर कोई यहाँ पे हैरान है, पहले कभी ऐसी बात सुनी थी? नहीं सर, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। बाकी ये कि जैसे सिलेंडर खत्म हो गया उसके बाद तो जैसे किलो आधा किलो दे तो मोटा मोटा बचता है। बहु प्लाजा से भरवाते हो? हर भाई वहीं से भरवाते हैं। कितने का भरवाया था कॉपी पे? सर ये 860 रुपए का भरवाया था और 100 रुपए गाड़ी रिक्शा वाले ने लिए, 100 जाने के 100 आने के, तो मेरे को तो 1000 रुपए वहीं पड़ गए, 1100 में तो मेरे को वहीं पे पड़ गया काम। कोई बात नहीं, आप ये सिलेंडर ले जाइए, आपकी मेहनत है, पैसे दिए हैं आपने, ये तो वापस होगा। देखो सर अब वो क्या करते करेंगे या नहीं करेंगे वो तो उनपे। तो फिर गर्मियां काफी ज्यादा है, अगर आप सिलेंडर भरवाने के लिए जाते हो तो एक बात सुनिश्चित कर लीजिए, कहीं आपको सिलेंडर में पानी तो नहीं दिया जा रहा। अब ये कारण क्या है ये हमसे बेहतर कंपनी ही स्पष्टीकरण दे सकती है कि आखिरकार ऐसा मामला सामने क्यों आया। जम्मू का पहला मामला, इससे पहले हल्का पानी आपने जरूर देखा होगा मगर इस पूरे सिलेंडर में जो है वो पानी है, यानी कि एक बूंद जो है वो गैस की इसमें नहीं है। आखिरकार ऐसा कैसे संभव है और जम्मू में ऐसा मामला जो कि पहला मामला है कि पूरा नया सिलेंडर जो इन्होंने भरवाया है और उस सिलेंडर में एक बूंद गैस की नहीं और सिलेंडर जो है वो पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है। साथ के साथ शेयर कर दे, ऐसा मामला कहीं आपके साथ ना हो। तपती गर्मी काफी ज्यादा है, बार बार आना जाना होगा तो मुश्किल होंगे। लोग जो है यहाँ हंस भी रहे हैं क्योंकि ऐसा मामला पहले कभी नहीं सुना। कभी सुना था नहीं, पानी होता है नहीं कभी नहीं। क्या कहेंगे सर, हंसी निकल रही है, सुना कभी? कभी नहीं सुना भाई। हो सकता है गर्मी ज्यादा हो तो पानी नारियल पानी पीने के लिए भेजा है यहाँ पे, है ना? हाँ सही बात है, पीने के लिए भेजा उन्होंने। तो देख सकते हैं हर कोई यहाँ मुस्कुराता हुआ, बात मुस्कुराने की नहीं है, बात यह है कि आप इनके लिए परेशानी की। आखिरकार ये फिर दोबारा इस सिलेंडर को लेके जाएंगे और वापिस करवाएंगे? वापिस तो ये आराम से हो जाएगा क्योंकि इसमें पानी जो है वो भरा हुआ है। अगर कल लकड़ियां भी नहीं होती तो क्या खाना खाते? भूखा ही मरना था सर, ये तो भूखा मरने वाली बात होगी ना फिर। अब तो कॉपी पे नंबर भी है, वो नंबर भी नहीं चल रहे सर, चल ही नहीं अभी, बुकिंग वाला ही है सर, अब वो भी नहीं हो रहा है। कल से ट्राई करें, नहीं हो रहा। चलिए हम अपील करेंगे सिलेंडर को वहाँ लेके जाओ ताकि कंपनी भी बताए ये मामला है क्या। जी सर जरूर लेके चलते हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ दोपहर के बाद मेरी दिहाड़ी भी ऐसे बेस्ट होगी तो इससे अच्छा तो लेके चलने में फायदा नहीं, तो फिर कल की भी दिहाड़ी, कल भी भूखा मरने वाला काम होगा फिर। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर जाने में फायदा रहेगा क्योंकि निकलेंगे फिर वो, उसके बाद फिर वो पर्स कल पे बात जाएगी। तो हैरान कर देने वाला मामला जम्मू में पहली बार सामने आया। इससे पहले पानी थोड़ा बहुत आपने निकलता जरूर देखा होगा मगर इस बार पूरा